अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों मैं जा रहा हूँ मास्टर केज में और मास्टर केज की आपको हालत दिखाता हूँ। ऐसे लग रहा है जिस तरह लावारिसों का मास्टर केज है। पीछे से सारा कपड़ा साइड पे हुआ हुआ है और नीचे सारी पराली गिरी हुई है। यहाँ से सारी पराली सुभान ने उतार दी है। ये ईंट साइड पे हुई हुई है। बजरी का कलर देखे कितना गंदा हुआ हुआ है। बेचारे हमारे अच्छे वाले कबूतर यहाँ पे सुंगड़ के बैठे हुए हैं। और ये पिंजरों की हालात देखें, हमारा मास्टर केज इतना गंदा लग रहा है दोस्तों। बेचारे हमारे बर्ड्स वो इतना बुरा फील कर रहे होंगे और हमें गालियां दे रहे होंगे कि ये हमें किधर रखा हुआ तुम लोगों ने। तो सबसे पहले हम करते हैं ये दरवाज़ा बंद। और दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर है वो ये है कि हमने एक काम करना है। ये जो हीटर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये हमने हीटर सेट करना है उस जगह पे दोस्तों हीटर सेट करना है। हीटर सेट करने के बाद हमने थोड़ी सी सफाई वगैरह करनी है ताकि मास्टर केज की थोड़ी लुक वापिस आ। दिलबर ने इतना तंग किया हुआ ना यार, तू क्यों तंग कर रहा है दिलबर? हैं क्यों तंग कर रहा है? अबे फिर ही आएगा, बाज नहीं आने वाला। ये ऊपर जाकर बैठ गया ना, अभी फिर पहुंचेगा नीचे। ये आने लगा, मुझे पता तू आएगा। बस ये देखा, मुझे पता था इसने आना। बदतमीज है। तो दोस्तों सुभान जल्दी भाई जल्दी रखते ये ना। हाँ परफेक्ट। तो जी दोस्तों माशाल्लाह से हीटर लग गया है और अब मास्टर केज में एक टेंशन तो खत्म हो गई जो यहाँ पे सर्दी थी। तो माशाल्लाह अब सुकून हो जाएगा, सर्दी खत्म हो जाएगी। अब हमारे चिड़िया तोते सुकून में रहेंगे। और दोस्तों एक टेंशन हो रही थी कि हम इसके आसपास क्या करेंगे, अगर कोई परिंदा आके बैठ गया। तो दोस्तों इसके आसपास ये जाली लगा दी है, तो अब यहाँ पे अगर कोई परिंदा आएगा तो उसके लिए टेंशन नहीं होगी। वाहन अभी वहाँ से जाके वो बंद करना है अच्छे से, उसको बंद करना है। जल्दी पहुँचो, उसे बंद करो। और दोस्तों अब तकरीबन यहाँ पे आधा घंटा लगेगा तो फिर हमारा मास्टर केज सुकून में आ जाएगा। तो दोस्तों इसके मेरा ख्याल है, मुझे कमेंट आए थे कि भाई इसको आप अंदर ले जाएं, इसको आप अंदर रखें, अपने पास रखें। तो आज इंशाल्लाह इसको भी हम अंदर ले जाएंगे। लेकिन अब अंदर लेके जाने की कोई टेंशन तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी सुकून हो गया। अभी घंटे डेढ़ में आके देखेंगे कि मास्टर केज में सुकून है या नहीं। मतलब ठंड तो नहीं फील हो रही? अगर ठंड फील ना हो रही हो तो दोस्तों ये बच्चा यहाँ पे रहेगा। दोस्तों माशाल्लाह कितने मज़े से इन्होंने एक और अंडा दिया, या ये अंडा देने ही जा रहे हैं। अब इनको मेरा दिल नहीं है साइड पे करूं। तो दोस्तों इनको बाद में देखते हैं कि इन्होंने कितने अंडे दे दिए। ये वाइट अंडा, मैं इसको साइड पे करता हूँ। एक मिनट बच्चे साइड पे ना। सुभान जी भाई ये देख क्या वाइट कलर में अंडा आया इनका। वाइट बटेरों का होता है? अच्छा मैंने पहली दफ़ा देखा है दोस्तों। इसको कितना डिफरेंस है दोनों के अंडों में। अच्छा ये लो बटेरनी अंदर आना चाह रही है। तो दोस्तों यहाँ पे माशाल्लाह इनके अंडे हो गए। ओ यार ओ ये देखो माशाल्लाह तेज हो गया दोस्तों। मारा इसने है, लेकिन मैंने माशाल्लाह इसलिए बोला है क्योंकि माशाल्लाह ये एक्टिव नज़र आ रहा है मुझे। दोस्तों मास्टर केज में एक स्कूल तो हो गया। अब एक काम करते हैं, हम ऊपर चलते हैं। सुभान काम करते हैं, ऊपर चलते हैं क्योंकि टाइम नहीं है। ऊपर जाके पहले ऊपर वाले बच्चों को खाना वगैरह देते हैं, फिर हम मास्टर केज में दोबारा आते हैं और मास्टर केज में आके सफाई वगैरह करते हैं और इनको नया दाना पानी देते हैं। एक चीज की टेंशन खत्म हो गई, यहाँ पे हीटर चल गया। अब ऊपर चलते हैं, जल्दी 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 जल्दी। हाँ जी भाई जान, सबसे पहले खोलना है उस गंदे बच्चे को, उसने बड़ा शोर। एलेक्स बहुत तंग करता है दोस्तों, फजूल में बोल ही जाता है। अगर आसपास कुछ भी नज़र आए मुझे लगा ये आवारा कबूतर है, लेकिन ये जंगली कबूतर है। तो दोस्तों कुछ भी नज़र आए बस इसने टें 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 टें। ओए माशाल्लाह कितने मज़े का सीन है दोस्तों। डेली इस टाइम ये आ गया, डेली दोस्तों इस टाइम ऐसे ही गुजरता है इनका एक ग्रुप। एक नहीं बहुत ज़्यादा ग्रुप करते हैं। अभी थोड़ी देर तो वो देखें, एक ग्रुप वो जा रहा है। किधर गया वो देखें दोस्तों, एक ग्रुप जा रहा है। तो अब ये टाइम है इनके ग्रुप गुजरने का। तो हम एक काम करते हैं, हम कबूतरों को खोलते हैं, इतनी देर तक ये फ्री हो लेते हैं। तो चले दोस्तों जल्दी से हम कबूतरों को खोलते हैं क्योंकि अभी मास्टर केज में भी जाना है, वहाँ पर भी जाके काफ़ी काम करना है। हेलो कैसे हो बच्चों? हाँ जी अभी बाहर नहीं आना, अभी दो मिनट रुको
दोस्तों रैबिट्स ने अभी तक यहाँ पे ही है, इन्होंने यही जगह अपने सेलेक्ट की हुई है। मेरा ख्याल है ये इनको ज्यादा सेफ लगती है यहाँ पे। नहीं दोस्तों इन्होंने यहाँ पे आना क्यों है, क्योंकि ऊपर से ये उठा हुआ है, सुभान ने मेरा ख्याल है उठा दिया था। तो अब ये लोग चले जाएंगे क्योंकि अंदर अंधेरा हो गया। तो दोस्तों जल्दी से कबूतरों को पकड़ते हैं और उनको छोड़ते हैं। ले 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 ले, नो 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 नो, गंदी बच्ची, सारे घूम रहे हैं। चलो जाओ, दो कबूतर छोड़ दिए, सिर्फ दो रहते हैं, उनको लेके आते हैं जल्दी से। एलेक्स पीछे हो जाओ। एलेक्स क्या लेके गया? एलेक्स ये क्या लेके गया दोस्तों? एलेक्स मेरा ख्याल गंद लेके गया। ओए गंदे बच्चे, चल 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 दोस्तों। एलेक्स गंद लेके चला गया था, गंद खाने लगा था, गंद को फेंकते हो। बारी है इन दो की। दोस्तों अब दूसरे बच्चों को खोलते हैं। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, रैबिट्स भी बाहर आ गए हैं और माशाल्लाह रैबिट्स अब डरते नहीं है दोस्तों। सबसे मजे की इनकी ये बात है, चलो आ जाओ, ये लो, ये चलेगी दोस्तों। सबकी दौड़े देखें कितने मजे से भाग गए हैं। और दोस्तों ये हमारा एक कबूतर आ गया, फौरन से इसने बच्चों को देखा, फौरन से नीचे आ गया। ये दूसरा भी आ गया। चलो नीचे खेलता हूँ, चल भाई सब्र कर। हाँ जल्दी ऊपर ना, पिंजरे में तोता लेके जल्दी ऊपर आओ। तोता कौन सा पिंजरे में? एक तोता बैठे, जल्दी आओ ना, जल्दी जाओ। दोस्तों सुभान कह रहा है ऊपर कोई तोता बैठा है, पिंजरे में एक तोता डाल के लेके आओ। दोस्तों सुभान ने ऊपर इस पिंजरे में हम डाल के ले जाते हैं, सारे तोते ऊपर बैठे हुए हैं, इसको पकड़ लेते हैं। ये पकड़ लिए, एक और पकड़ लेते हैं। दोस्तों वो ऊपर बैठे हुए हैं, वो रहने देते हैं, हम जल्दी से इसी को लेकर चलते हैं। क्या हुआ है सुभान? क्या हुआ है? तोता बैठा, तोता कौन सा? लवबर्ड। हाँ लवबर्ड। तो इसको कैसे नजर आएगा ये? या मैं आप बोलेगा वो आएगा। ये बोल रहा है, किधर बैठा, किधर हुआ है? इधर ये आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। दोस्तों लव बर्ड बैठा हुआ है लेकिन नजर नहीं आ रहा। कब से बैठा हुआ, कब से देखा? जब हम नीचे गए ना उस टाइम को ऊपर ही बैठ गया, नजर नहीं आ रहा। और अभी जब इधर एक मिनट रुको, आवाज आई है, आवाज आई, ये आ रही है, आ रही आ रही आ रही है। डरा होगा, फुल डरा होगा। उस साइड पे तो नहीं है, नजर नहीं आ रहा। क्या हुआ है, क्या हुआ सुभान को? क्या हुआ सुभान, किधर है सुभान? दोस्तों सुभान भाग गया उसने, मुझे पता भी नहीं इसे आवाज कहीं से आ रही है लेकिन समझ नहीं आ रही है किधर, नजर भी नहीं आ रहा। दोस्तों पता नहीं किधर भाग गया, आवाज इस साइड से आ रही है, कुछ पता नहीं चल रहा। क्या हुआ एलेक्स, चुप कर। दोस्तों पता नहीं चल रहा लेकिन आवाज आ रही है, लव बर्ड की आवाज आ रही है ना, एक तोते की आवाज आ रही है ना, एक आ रही है, हैं? पता नहीं किस साइड से आ रही है। पकड़ लिया दोस्तों सुभान ने, पकड़ लिया तोता सुभान ने। दोस्तों एक मिनट में फ्लैश लाइट ऑन कर। दोस्तों सुभान ने पकड़ लिया तोता, अब भी मुझे इसने जोर से आवाज दी, ये नजर क्यों नहीं आ रहा? सुभान किधर है, पकड़ लिया? इधर आ, इधर पकड़ लिया। दोस्तों सुभान ने लव बर्ड पकड़ लिया, ये देख यार कुछ नजर नहीं आ रहा, आजा घर आ। आ गया दोस्तों, फाइनली सुभान ने आज लव बर्ड, ओए इसका कलर थोड़ा चेंज लग रहा है। वाओ सुभान, ग्रीन कलर, लेकिन जो हमने सेल किए थे ना ये उनसे डिफरेंट है थोड़ा। अल्लाह माफ करे, जोर से गिरे। चाम भाई यार इसमें मेरी मेहनत तो है ना? हाँ आज है, आज सुभान का बनता है। यस सर, बाइट निकाल, बाइट निकाल, जैसे पकड़ उसने बाइट ही करना है। वही इसके सर में सुराख है, कवे पीछे लगे हुए थे। शिट 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 शिट,
दोस्तों ये पैरेट है, हाथ तो पीछे करो, ये देखें दोस्तों ये निशान है इसके, ये किस चीज का है, कवे ने मारा होगा। तो दोस्तों ये पैरेट सुभान ने पकड़ा है और ये तकरीबन एक घंटे से ऊपर बैठा हुआ था, मैं बैठा हुआ था, तोता नहीं बैठा, ये किसी ने इसको पहले, ये वही बात मैं पहले कर रहा था ऊपर अंधेरे में बैठे हुए। हेलो ब्रदर नीचे आ जाओ, फुल एक्टिव है यार, ये ना इसको चोट ना लग जाए भाई, इसके अंदर इसको छोड़ते हैं। वो यार ये अभी तक ये भी इसी में है सुभान, ये मास्टर केज में इसको छोड़ेंगे। दोस्तों ये भी हमारा अकेला रह गया, कल आप लोगों ने देखा इसका पार्टनर भी इसे छोड़कर जा चुका है। अच्छा ये सुस्ती बहुत है, बच्चा है ना यार सुभान, छोटा सा बच्चा है, अब ये रह भी अकेला गया बेचारा, इसको तो मैं सोच रहा हूँ एक मिनट उड़ने की कोशिश ना कर मेरे भाई, इधर आ जा, इधर आ जा, चल इधर बैठ जा, इधर बैठ जा, आ जाओ लाबर पिछो, ये आता है नीचे, चल जा नीचे, नीचे चला जा। मैं सोच रहा हूँ इसको हम रखेंगे बाहर, मास्टर केज में नहीं रखेंगे, या मास्टर केज के अंदर रखेंगे, इसे बंद ही रखेंगे, क्योंकि दोस्तों पहले भी हमारे पास दो थे लेकिन उन्होंने हमें बहुत तंग किया, तो एक काम करेंगे इनको मास्टर केज में, क्या हुआ है वसी, नीचे छोड़ दे भाई, वो कह रहे नहीं पकड़ेगा, क्या हुआ मोहम्मद को, ये माशाल्लाह क्या हुआ, वसी का दिल है वो नीचे है, पूछ गया पूछ गया पूछ गया पूछ गया, हाँ जी अब पकड़ के दिखाओ। तो दोस्तों लास्ट टाइम हमारे पास जो दो लवबर्ड्स थे वो दोनों फीमेल थी, हमें बाद में पता चला, तो दोस्तों ये पता नहीं मेल है या फीमेल, मुझे इनके जेंडर का बिल्कुल पता नहीं चलता कि कैसे पता करवाएं। वसी ये ना इधर एक भाई भाई है शाम भाई, एक मिनट इसको पिंजरे में डालते हैं भाई, वहां से उड़ाए से उड़ाए एक दफा ध्यान से, नीचे वसी का वसी है, वसी है नीचे ध्यान से, ये दूसरी दफा मैंने पकड़ा है, दिखाओ दूसरी दफा भी सुभान ने पकड़ा है भाई, इसको पिंजरे में छोड़ दो, पिंजरे में छोड़ दो, ये छोड़ दिया। तो दोस्तों ये पिंजरे में रहेगा और पिंजरे को हम मास्टर केज में शिफ्ट कर देते हैं, बच्चे को भी मास्टर केज में शिफ्ट करते हैं। यार ये बात का चैप्टर है कि इसके लिए हमने क्या लेके आना। तो जी दोस्तों मास्टर केज की सफाई क्लियर हो गई है और जो सा पैरेट सुभान ने पकड़ा है माशाल्लाह से, यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों, ये देखे यहाँ पे दाना खा रहा है और अभी इसको अकेले बंद किया, ये देखे दोस्तों ये पकड़ा है, हेलो बच्चे, अभी ये डरा हुआ है दोस्तों, इसके पास इसको रखा है ताकि इसको थोड़ी हीट मिलती रहे, अगर ये थोड़ा परेशान है या इसको सर्दी लग रही है तो वो गर्मी से इसकी परेशानी और इसकी सर्दी दूर हो जाए। अभी कितना सीरियस होकर देख रहे हैं, और दोस्तों इसके सर पे हमने मेडिसिन भी लगानी है क्योंकि उस जगह पे किसी ने मारा होगा, किसी कबर वगैरह ने मारा होगा या इसको वैसे चोट लगी होगी काफ़ी ज़्यादा, यहाँ से पर इसके उतरे हुए हैं और एक छोटा सा होल है, तो दोस्तों उसको हमने मेडिसिन लगानी है। और ये भी माशाल्लाह यहाँ पे रहेगा क्योंकि अब मास्टर केज के अंदर सुकून है दोस्तों, बहुत सुकून है, खाली सुकून नहीं। और दोस्तों माशाल्लाह से मास्टर केज सारा हो गया क्लियर और साफ सुथरा, ये देखें दोस्तों सारा मास्टर केज, और ये माशाल्लाह हमारे इम्पोर्टेड पिजन्स कितने मज़े से दाना खा रहे हैं, और बाकी भी माशाल्लाह सारा क्लियर हो गया। जी दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और हमारे चैनल जू लाइफ को सब्सक्राइब भी कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। और दोस्तों इस पैरेट के बारे में बताएं कि इसको हम दे दें या इसके लिए एक और बर्ड लेके आए, क्योंकि इसको हमने मास्टर केज में खोलना बिल्कुल नहीं है, ये बाकी बर्ड्स को नुकसान पहुँचाएगा।